Realme GT Neo 5 SE इस फोन की डिस्प्ले लीक्स बाहर आ गई है। भाई इस फोन में क्या क्या डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, कम बेजल्स के साथ ये स्मार्टफोन आएगा, पंच होल डिस्प्ले में आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। और ये फोन है 3 अप्रैल को इसका इवेंट रखा गया है, 3 अप्रैल को ही इसका फुल कंफर्मेशन लीक्स जो अभी तक तो लीक्स निकल के आ रही है फुल कंफर्मेशन बाहर आ जाएगा कि इस स्मार्टफोन में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। बट उससे पहले ही हमारे पास लीक्स आ गई हैं कि इस स्मार्टफोन में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो वीडियो पे बने रहो और मैं आपको बताऊंगा इस फोन की स्पेसिफिकेशन की इस फोन में कौन सा प्रोसेसर होगा, बाकी एक्सेट्रा क्या क्या फोन में देखने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं इस फोन की डिस्प्ले की। अकॉर्डिंग टू लीक 6.74 इंच की फुल HD प्लस 144 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जिसकी पीक ब्राइटनेस होगी 1400 निट्स की पीक ब्राइटनेस एंड 1.5 की रेजोल्यूशन के साथ ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा। इस फोन में आपको अच्छी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, पंच होल डिस्प्ले में आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा, इन डिस्प्ले ही फिंगरप्रिंट रीडर मिल जाएगा इस फोन में आपको। फोन के चिपसेट की बात करें तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 7 Gen 2 Plus का चिपसेट देखने को मिल जाएगा इस फोन में। 16 GB LPDDR4 RAM आपको देखने को मिल जाएगी, 1 TB तक UFS 3.1 का स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। ये भी फोन लॉन्च होगा तो इसमें आपको एंड्रॉइड 13 देखने को मिलेगा, लेकिन अब अपडेट में आपको एंड्रॉइड 14 बहुत जल्द मिल जाएगा इस स्मार्टफोन में। फोन के कैमरे की बात करें तो भाई 16 MP का इसको आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा, एंड जो मेन बैक कैमरा होगा 64 MP का होगा, बाकी अलग। इस फोन में तगड़ा चिपसेट है और तगड़े चिपसेट से अगर आप गेमिंग करते हो तो आपको अच्छी बैटरी बैकअप चाहिए, तो 5500 mAh की एक बड़ी बैटरी इसमें देखने को मिल जाएगी और उसको चार्ज करने के लिए 100 वाट का फास्ट चार्जर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। ये थी इस फोन की इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का घंटा दबा दो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।